विजय भैया। हाय कोमल, कैसी हो तुम? ठीक हूँ भैया। स्कूल से निकलने के बाद आपको हमारे स्कूल में देखकर अच्छा लगा। मैंने सुना है कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिली है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ कोमल, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। जानती हो, 100 से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था और मैं उन लोगों में से हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ। और तो और, अगले महीने मुझे प्रमोशन भी मिलने वाला है। वाओ भैया, मुझे भी बताओ आपको ये जॉब कैसे मिली, आपने ये कैसे किया? सच बताऊं कोमल, जब मैं स्कूल में था मेरे लिए ऐसी जॉब ले पाना बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया। कल जो इंटरव्यू है ना तेरा, इंटरव्यू के लिए जा तो रहा हूँ, मुझे लगता नहीं मुझे ये जॉब मिलेगी। भले ही मैंने एकेडमिक और टेक्निकल स्किल्स पढ़ी थी, लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने प्लान नहीं किया, इसलिए मैं लेट हो गया था। अपने उन्हीं कपड़ों और चप्पल पहनकर मैं सीधा इंटरव्यू रूम में बिना नॉक किए घुस गया। सर, इंटरव्यू। यू आर लेट। व्हाट टाइम वर यू सपोज्ड टू कम? इंग्लिश लैंग्वेज इतने साल पढ़ने के बावजूद मैं इंग्लिश में दो शब्द भी ना बोल सका। टेक अ सीट। अंग्रेजी भी नहीं आती क्या? बैठ जाओ, बैठो। बायो डेटा लाए हो अपना? दिखाइए। ये बायो डेटा है। इसे साथ लो, बाहर निकलो यहां से। गेट आउट। भैया, अभी आप कितने पॉजिटिव दिखते हो, ये चेंज कैसे आया? कमल, मैंने हार नहीं मानी। मुझे मालूम चला कि कंपनी सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर फोकस नहीं करती है, बल्कि वो सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, इंटरनेट स्किल्स को भी उतना ही फोकस करती है। मैंने स्पोकन इंग्लिश की क्लास ली, कंप्यूटर सीखा और अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग की। थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे बदलाव दिखने लगा। मैंने कंप्यूटर यूज करके अपना बायोडेटा बनाया, फिर मैंने अपना बायोडेटा उसी कंपनी को ईमेल किया और इंटरव्यू के लिए पूछा। फिर मुझे कंपनी से ईमेल आया जिसमें उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। यस। मे कम इन सर। यस कम इन। सर, आई हैव कम फॉर द इंटरव्यू। Yes, come, please have a seat. Thank you. तुम पहले भी आए थे ना? Yes, sir. Good. I can see a lot of improvement in you. Thank you, sir. Sir, this is my resume, sir. Okay. Good. Thank you, sir. I'm pleased to offer you this job. Congratulations. Thank you so much, sir. Means a lot to me. Why employability skills are needed? Employability skills की जरूरत क्या है? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अगर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी अच्छी हैं, तो आप किसी भी जॉब के लिए या बिजनेस के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। अगर आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं हैं, तो आपको जॉब या बिजनेस में बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्टार्टिंग से ही आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते, हमेशा शाय फील करते हो, अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते या उनकी बातें समझ नहीं पाते, आपको नहीं पता चलता कि किससे कैसे इंटरैक्ट करना है, आपको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता या आपको इंग्लिश पढ़नी या समझनी नहीं आती। तो इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज एम्प्लॉयर्स उन्हीं बच्चों को एम्प्लॉय रखना चाहते हैं जो सही तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर सकें और उनकी बातों को समझ सकें, जिनके पास सारी जानकारी हो अपने करियर से रिलेटेड और जो उनकी कंपनी के तौर तरीकों में फिट बैठ सके। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कोई एक स्किल नहीं है, ये बहुत सारी स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपकी बिहेवियरल स्किल्स,
करियर स्किल्स, आईटी लिटरेसी, इंग्लिश लिटरेसी और कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं। बात करते हैं बिहेवियरल स्किल्स के बारे में, जो आपकी फर्स्ट यूनिट भी है। बिहेवियरल स्किल्स वो नेचुरल स्किल्स हैं जो दर्शाती हैं आपके कैरेक्टर को। आप कितना फ्रेंडली हो, आप नए माहौल में कितने जल्दी एडजस्ट हो जाते हो, आप कितनी मैच्योरिटी से बिहेव करते हो। अगर कंपनी को कोई लॉस हो रहा है तो उस सिचुएशन को आप कितनी जल्दी हैंडल कर लेते हो। अगर आपकी नॉलेज आउटडेटेड हो गई है तो आप सीखने के कितने इच्छुक हो। हर एम्प्लॉयर डिमांड करता है कि उसके एम्प्लॉय का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और उसे प्रोफेशनल एटिकेट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब आपका बिहेवियरल स्किल्स में आता है। अब बात करते हैं इंग्लिश लिटरेसी के बारे में। इंग्लिश लिटरेसी का मतलब है आपको इंग्लिश बोलना, पढ़ना, समझना और लिखना आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ होती है। जैसे अगर आपको सिंपल ईमेल भी लिखना है तो वो भी आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको इंटरव्यूज़ में प्रेफरेंस नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि आप दूसरे लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हो। अगर आपको किसी टीम में काम करने के लिए बोला गया है और आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हो और समझने के बाद आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है आपको अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस में हैं और आप अपने बिजनेस को या अपनी डील को ही सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाए या उसको कुछ भी पॉजिटिव या फ्रूटफुल नहीं लगा तो वो आपकी डील को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका प्रोडक्ट कभी भी परचेज नहीं करेगा। तो इसीलिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सको। बात करते हैं आईटी लिटरेसी के बारे में। आईटी लिटरेसी का मतलब है कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ ना हो रहा हो। आपको अपना सैलरी ही देखना है या कोई पेमेंट ही करनी है तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपना रिज्यूमे बनाना है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं अपना अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज मुझे सेलेक्ट करें। कोई भी लेटेस्ट स्किल आपको सीखनी है तो आपको फ़ोन अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, सोशल मीडिया पे आपका इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल कम्युनिकेशन में कैसे ईमेल सेंड करते हैं, इनबॉक्स पे कैसे चेक करते हैं, ऑफिस के पैकेज में जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए। करियर स्किल्स मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। रमीला को रिसेंटली एक एसी इंस्टॉलेशन कंपनी ने हायर किया है और उनके सुपरवाइज़र ने रमीला को एसी इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग का काम दिया है, जिसमें रमीला को रोज़ कस्टमर्स के घर जाकर उनकी प्रॉब्लम का पता करना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद रमीला को उनसे फीडबैक लेना है और अपने सुपरवाइज़र को रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन की सारी डिटेल्स एक्सेल फाइल में बनाकर सुपरवाइज़र को मेल करनी है। अगर रमीला इसी तरीके से अच्छा काम करती रही
तो बहुत जल्द ही रमीला का प्रमोशन हो जाएगा एज अ सुपरवाइजर। तो इस एग्जाम्पल में आपको बताना है कि रमीला के पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ताकि रमीला का बहुत जल्द प्रमोशन हो सके। बच्चों, सबसे पहले रमीला के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि वो कस्टमर्स को अच्छे से समझ सके और आइडेंटिफाई कर सके कि एसी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। सेकेंड थिंग, रमीला का बिहेवियर बहुत ही असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव का मतलब है कि रमीला को बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने ओपिनियन कस्टमर्स के सामने रखने हैं ताकि उनको बुरा भी ना लगे और रमीला अपने ओपिनियन अच्छे से कस्टमर्स के सामने रख सके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए और लास्ट में चार्जेस लेते हुए भी। कई बार क्या होता है कि चार्जेस लेते हुए हम अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाते और कस्टमर्स बोलने लगते हैं कि आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो या कम कर रहे हो। तो रमीला को अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए कंपनी के नॉर्म्स के बारे में और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर रमीला की टेक्निकल स्किल्स अच्छी होंगी तो रमीला इजीली आइडेंटिफाई कर लेगी एसी में प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बात करते हैं आईटी स्किल्स की। रमीला की आईटी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जल्द से जल्द रमीला उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने सुपरवाइज़र को मेल या व्हाट्सएप भी कर सकती है। लास्ट में रमीला को रिपोर्ट बना के सबमिट करनी होती है, तो रिपोर्ट बनाने के लिए रमीला को कंप्यूटर या लैपटॉप पे MS Excel यूज़ करना आना चाहिए और ईमेल कम्युनिकेशन भी आना चाहिए ताकि इजीली वो अपनी रिपोर्ट अपने सुपरवाइज़र को मेल कर सके। तो रमीला के पास टेक्निकल स्किल्स प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी रमीला परफेक्टली अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएगी और जल्द से जल्द रमीला का प्रमोशन भी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आज आपके लिए एक टास्क है। आपको सिर्फ अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालने हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन कौन से स्किल्स अच्छे हैं और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं बता रही हूँ बच्चों, अगर आप आज आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको अपनी कौन सी स्किल्स इम्प्रूव करनी है तो आप बहुत जल्दी और इजीली कोई भी जॉब ग्रैब कर लोगे और अपने बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो जाओगे। क्यों ज़रूरी है अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को पहचानना, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक ट्रेनी है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस ट्रेड का और उसकी ट्रेड के सिलेबस में उसको बहुत सारे सेक्शंस हैं जो पढ़ाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, लाइनक्स, प्रिंटर, स्कैनर, नेटवर्किंग और सर्वर। अब उस ट्रेनी को ये पता होना चाहिए कि मैं इन सेक्शंस में से सबसे अच्छा किस में हूँ, मेरी एक्सपर्टीज किस सेक्शन के अंदर है, उसी के अकॉर्डिंग उसको फ्यूचर में जॉब करनी है। तो जैसे अगर उसकी हार्डवेयर स्किल्स अच्छी हैं तो वो किसी सर्विस सेंटर में जॉब कर सकता है। अगर उसकी वर्ड प्रोसेसिंग स्किल्स अच्छी हैं, जैसे वो टाइपिंग, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब अच्छे से कर सकता है, तो वो एक ऑपरेटर बन सकता है। तो करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी स्किल्स को पहचानना ताकि आपको पता चले कि आप कौन सी स्किल्स में अच्छे हो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी है ताकि आप आगे बढ़ सको और बहुत कुछ सीख सको। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं। तो एबिलिटीज़ की बात करें, एबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कर लेते हो,
जैसे अगर आपके पास आपके ही दोस्त आते हैं, बोलते हैं यार प्लीज मेरा ये टाइपिंग वर्क कर दे क्योंकि तू टाइपिंग में अच्छा है, या मेरी इस जॉब में हेल्प कर दे क्योंकि ये तू काम अच्छे से कर लेता है, तो वही आपकी एबिलिटी है। जैसे मेरी एबिलिटी है कि मैं मेकअप अच्छा कर लेती हूँ, और इंटरेस्ट वो चीज़ है जो आप फ्री टाइम में करते हो, मतलब जो आपको फ्री टाइम में करना अच्छा लगता है, जैसे कोई सोशल वर्क, सिंगिंग, डांसिंग, तो ये सब आपका इंटरेस्ट है। तो जैसे जैसे हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हमारी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट टाइम टू टाइम ग्रो करते रहते हैं। एबिलिटीज़ पहचान लोगे तो आपको ये चीज़ें कैसे और कहाँ हेल्प करेंगी। तो मान लीजिए इंटरव्यू के टाइम पर जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो क्या होता है, इंटरव्यूअर के जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो क्या होते हैं, क्या पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, हम आपको क्यों हायर करें, आप हमारी कंपनी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में एक टाइम मान लो ऐसा आ गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको एक एक करके आपके सारे एम्प्लॉयज छोड़कर चले गए, अब दोनों ही सिचुएशन में क्या है कि अगर आपकी स्किल्स अच्छी होंगी और आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, तो आप इस सिचुएशन को सक्सीड कर सकते हो और अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किल्स ही अच्छी नहीं होंगी तो ना ही आपको ये पता चलेगा कि मुझे किस फील्ड में जॉब करनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत ज़रूरी है अपनी एबिलिटीज़ को पहचानना, अपने बारे में जानना। अगर आपको बिहेवियरल स्किल्स इम्प्रूव करनी है तो बस आपको सीखना है कि आप नई स्किल्स को खुद कैसे सीख सकते हो। आपको हमेशा सीखने के लिए इच्छुक रहना चाहिए। तो बिहेवियरल स्किल्स के लिए आपके अंदर नई स्किल्स को सीखने के लिए इच्छुकता होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश लिटरेसी इम्प्रूव करना है तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है, रीडिंग हैबिट्स डालनी है, और जो भी आपने पढ़ा उसको समराइज करके कम से कम एक पेज या फिर मतलब 100 words में उसको एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या पढ़ा। अगर आप रोज़ आदत बना लोगे ना कि मुझे पढ़ना है और लिखना है, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सोशलाइज होने की ज़रूरत है, मतलब आपको अपना ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो बढ़ाने चाहिए ताकि आप जान सको कि अलग अलग पर्सन के क्या व्यूज़ हैं और अपने आप को भी उनके सामने एक्सप्रेस कर सको। आपको शाय फील नहीं करना है या हेजिटेट नहीं करना है कि मैं इसके सामने ये बात बोलूं या नहीं बोलूं या क्या तरीका है बात करने का। आपको हमेशा टॉकेटिव रहना चाहिए, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देने चाहिए ताकि आपको रीसेंट मार्केट के बारे में पता चले, लोगों के बारे में पता चले, लोगों की मेंटालिटी के बारे में पता चले, और उनके अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करना और कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो ये सब चीज़ें आप जो है सोशलाइज नेचर के थ्रू ही सीख सकते हो। आईटी लिटरेसी आप तभी इम्प्रूव कर सकते हो जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेटेड रखोगे। कोई भी न्यू ऐप आती है, लॉन्च होती है, तो उसको यूज़ करना सीखो, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं। अगर आपने आज तक अपना रिज्यूमे नहीं बनाया है तो आप अपने कॉलेज में या घर पर जाके लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करो और अपना बहुत अच्छा रिज्यूमे बनाओ ताकि बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस आपको हायर करें। अब हम बात करते हैं वर्कप्लेस एटिकेट्स की। तो वर्कप्लेस एटिकेट्स जो हैं वो एटिकेट्स हैं जो इंडिविजुअल को फॉलो करने पड़ते हैं वर्कप्लेस पर, क्योंकि वर्कप्लेस पर हमें बहुत ही सेंसिबली और एप्रोप्रिएटली बिहेव करना पड़ता है, अदरवाइज लोग जो हैं वो हमें सीरियसली नहीं लेते वर्कप्लेस पर। तो अब बात करते हैं बेसिक वर्कप्लेस एटिकेट्स की। तो हमें कभी भी ऑफिस में कैजुअली बिहेव नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारे हार्डवर्क के लिए ही कंपनी हमें पे कर रही है,
कैजुअल एटीट्यूड के लिए नहीं। अननेसेसरी किसी के भी नोटपैड, रजिस्टर्स और फाइल्स को ओपन नहीं करना चाहिए बिना परमिशन के। एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फ़ोन जो है वाइब्रेटिंग या फिर साइलेंट मोड पर रखना चाहिए। नेस्टी पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। वर्क स्टेशन को क्लीन और टाइडी रखना चाहिए। किसी का भी जो है मजाक नहीं बनाना है, किसी भी कलीग को क्रिटिसाइज नहीं करना है और उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपनी पिच और टोन का ध्यान रखना है वर्क प्लेस पर। हर किसी से हमें पोलाइटली बात करनी है, हमेशा अपने आप को काम रखना है वर्क प्लेस पर। कोई भी मीटिंग जो है बिना नोटपैड और पेन के अटेंड नहीं करनी चाहिए। ऑफिस टाइम पर जाना चाहिए। प्रॉपर यूनिफॉर्म अगर है तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने पास ही रख के बैठ गए हैं। जो डिज़ायर्ड पर्सन है उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अपने फेलोज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको अगर कोई काम करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कभी भी लिक्वर यूज़ नहीं करना है या फिर नेवर एवर ड्रिंक एट योर वर्क प्लेस, ठीक है। ऑफिस के रेस्ट रूम्स का टैप ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारे कॉलेज और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है और बहुत ही डिसिप्लिन वे में हमें जो है वो वर्क प्लेस पर बिहेव करना चाहिए ताकि जो हमारी इमेज है वो बहुत ही अच्छी बने और लोग हमें सीरियसली लें। तो ये कुछ वर्क प्लेस एटिकेट्स थे। अब हम बात करते हैं बिजनेस एटिकेट्स की। बिजनेस को भी चलाने के लिए कुछ एटिकेट्स जो हैं हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप अपने कस्टमर्स को चीट करोगे तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर आपकी प्लेस पर नहीं आएंगे। और बिजनेस में हमें सोशल मीडिया एटिकेट्स भी जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अपनी कंपनी का या अपने ब्रांड का प्रमोशन करते हुए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छे से हैशटैग यूज़ करना चाहिए। अननेसेसरी फोटोज टैग नहीं करनी चाहिए, इररिलेवेंट। अपने फॉलोअर्स के मैसेजेस का, कमेंट्स का हमेशा रिप्लाई देना चाहिए। ओवर शेयरिंग से बचना चाहिए। तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उस सोशल प्लेटफॉर्म की जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। अपनी कोई फेक इमेज हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं बनानी चाहिए, उससे हमारे साथ जो हैं कस्टमर्स नहीं जुड़ेंगे। बात करती हैं लर्निंग टुगेदर की। मिलकर काम करने से बहुत सारे बच्चे मिलकर किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। या फिर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पूरी टीचर्स और स्टूडेंट्स की टीम मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हायर लेवल पर लेके जा सकती है। आप लोग यकीन मानिए, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो आप हर वर्क प्लेस पर सक्सीड हो जाओगे। तो अब जानते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं जब आप अकेले पढ़ते हो। तो जब आप अकेले पढ़ते हो, कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा या कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगा, तो आप जनरली दूसरे लोगों से तो बात करते ही नहीं हो और किसी से उसको शेयर भी नहीं कर पाओगे। तो आप उसको आधा अधूरा समझकर या फिर उस टॉपिक को छोड़ ही देते हो। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम में सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपने पढ़ा और जाके लिख दिया। एग्ज़ाम में एप्लीकेशन पार्ट भी होता है, या किसी जॉब में जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपको अप्लाई भी करने होते हैं। अब आपने वो कॉन्सेप्ट तो उस टाइम पे छोड़ दिया था क्योंकि आप किसी से बात नहीं करते थे, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हमें किसी ना किसी की तो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं कि अगर हमें कोई टीचर पढ़ाता है या फिर हम किसी ट्रेनर से पढ़ रहे हैं या ट्रेनर की हेल्प से पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जनरली हम टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि टीचर हमें ये टॉपिक करवाएगा तो हम करेंगे, मैम कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैम प्लीज़ बता दो। हमारे खुद के एफर्ट्स जो हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं और हम टीचर या ट्रेनर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अब जब टीचर पढ़ाती है तो वो 90 मिनट्स तक या 80 मिनट्स तक कंटिन्यूसली एक ही पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, सुने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेक्चर का टाइम जो है वो डिफाइंड होता है और मैम जो डिसाइड करके आई हैं उनको वो एक्टिविटीज़ उसमें
करवानी होती है। कई बार टीचर्स हमारे क्वेश्चंस के या फिर हमारे कमेंट्स को इग्नोर कर देती हैं जिनको वो डिसअग्री कर, क्लास चल रही होती है तो वो हमारे पर्सनल कमेंट्स भी जो हैं वो एंटरटेन नहीं करती। लेकिन अगर बात करें किसी दोस्त की, जब भी हमें हमारा कोई फ्रेंड कुछ एक्सप्लेन करता है या हम टीम में मिलके काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना एक मोटिव बना लेते हैं कि ये मोटिव हमें अचीव करना ही है। इनिशियली हम लोग सब सेम लेवल पे हैं और हमें एक आउटपुट या एक कंक्लूजन निकालना ही है। तो इसमें क्या क्या होता है कि जब आप ग्रुप में या टीम में काम कर रहे हो तो आपके पास क्या है, एक मोटिव है, और आप बहुत सारे लोगों से बात करोगे तो आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जो मतलब बॉन्डिंग है, वो दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छी हो जाती है। आपके सोचने का तरीका बहुत ही डाइवर्स हो जाता है, आपका दिमाग जो है बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट पे सोचने लगता है। आपको पता लगता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नए नए तरीके हो सकते हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बात करने का तरीका, वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। सोशल इंटरेक्शंस मतलब सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये भी आपको पता चलता है। आपकी खुद की मैनेजमेंट स्किल्स, कोई भी आपने टास्क किया तो उसमें क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स आई आपने उससे कुछ सीखा, कैसे इम्प्रूव किया, आगे आप भी बताते हो, आपको भी लगता है कि आपके अंदर चेंजेस आए, आपने कोई स्किल को सीखा, तो ये आपकी जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। तो एक टीम या बहुत सारे लोग मिलकर किसी भी प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और अपने आप को आप इम्प्रूव भी कर सकते हो, रादर देन अपने आप अकेले बैठ के पढ़ने से, किसी टीचर के पढ़ाने से, और एक खुद अपना ग्रुप बना के पढ़ने से आप और भी अच्छा पढ़ सकते हो। ये सब चीज़ें आप अपने क्लासरूम से ही स्टार्ट कर सकते हो। क्लासरूम में सबको फ्रेंड्स बनाओ, उनकी स्किल्स आइडेंटिफाई करो, कोई वीकली टास्क डिसाइड करो अपनी ट्रेड के बारे में, या अपने आप को अपग्रेड करो और फिर उस टास्क को सॉल्व करने की कोशिश करो और मैनेज करो। व्हाट इज रोल मॉडल से? तो रोल मॉडल वो पर्सन होता है जिसका बिहेवियर, एग्जाम्पल या सक्सेस हर कोई इमिटेट करना चाहता है। ऐसा इंसान जो कुछ अच्छा करता है और बाकी लोगों को उसको फॉलो करना वर्थ लगता है। जैसे मुझे उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये रोल मॉडल कोई सेलिब्रिटी हो या कोई रेनाउंड पर्सन हो, ये हमारी खुद की लाइफ में से भी कोई पर्सन हो सकता है। हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कजन्स, टीचर्स, इनमें से भी कोई हमारा रोल मॉडल हो सकता है। और अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि रोल मॉडल एक ही इंसान हो, बहुत सारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं। हम अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे किसी से प्रोफेशनलिज्म, किसी से इंग्लिश, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स या कोई भी ऐसी स्किल जो हम सीखना चाहते हैं। हर इंसान को लाइफ में रोल मॉडल की ज़रूरत पड़ती है सक्सेसफुल होने के लिए। जैसे अब जब तक हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे कि क्या उसकी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे क्लास में अगर किसी स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम सोचते हैं यार वो कैसे पढ़ता है, हम उसको देखते हैं, फिर हम भी वही चीज़ें करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लाइफ में हमें किसी सक्सेसफुल पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक से सीखना चाहिए। दूसरी बात, हमें रोल मॉडल की मिस्टेक्स से भी सीखना चाहिए। जैसे पहले हर बच्चे या फिर हर इंसान की लाइफ में स्नैपचैट स्टोरीज होती थी, जब कोई देखो स्नैपचैट स्टोरी बना रहा है, लेकिन आज इंस्टाग्राम बूम पे है। तो क्या ऐसी चीज़ें रही होंगी कि स्नैपचैट जो है अब कम यूज़ होता है और इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ होता है? तो सोचने वाली बात है ना। तो हमें रोल मॉडल की मिस्टेक्स के बारे में भी देखना चाहिए ताकि हम सीखें कि हम ये गलतियाँ ना करें। तीसरी बात, हमें रोल मॉडल से सीखना चाहिए कि कोई भी उनके लाइफ में अगर ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो वो कैसे उसके साथ डील करते हैं। जैसे एग्जांपल लो, अभी अभी कैरी मिनाटी जो कि फेमस यूट्यूबर है, उनकी एक यूट्यूब वीडियो को डाउन कर दिया गया जिस पर मिलियन व्यूज़ थे और उन्होंने उससे बहुत कुछ अर्न भी किया था।
लेकिन अब वो जो वीडियो है वो डाउन हो चुकी है। तो इस केस में उन्होंने क्या किया, वो उदास होकर नहीं बैठ गए, उन्होंने हिम्मत की और कुछ नया अच्छा लेके आए, जिससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। अब मैं जो लास्ट बात आपको बताती हूँ वो ये है कि आप चाहे जितना भी कॉपी कर लो, जब तक आप उसमें अपना इनपुट नहीं डालोगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप किसी को एज इट इज फॉलो करोगे तो लोग आपको उसकी कॉपी बोलने लगेंगे। जैसे आपके ऑफिस में आप चाहते हो कि यार मैं इतना टैलेंटेड हूँ या फिर मैं उस जैसा बन जाऊँ, अपने सीनियर जैसा, उसकी सारी स्किल्स मेरे अंदर आ जाएं, या उसका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है कि मैं एज इट इज़ फॉलो कर लूँ। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि लोग आपको आपकी पहचान से नहीं जानेंगे, उसकी कॉपी से जानेंगे। ऐसे ही किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा, तभी आपका जो है बिजनेस सक्सेसफुल होगा। मैं मानती हूँ आपको बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले सोचना पड़ता है कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या फेलियर है, क्या क्या सक्सेस मुझे मिल सकता है। लेकिन कभी भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम जो हैं, हम जो इनपुट्स देंगे उसी से ही हमारा बिजनेस जो है वो आगे तक जाएगा। अगर एज इट इज कॉपी करेंगे तो हम कभी भी एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाएंगे। तो रोल मॉडलिंग एक बहुत ही बेस्ट तरीका है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सीखने का, लेकिन उसमें अपने इनपुट्स होने बहुत जरूरी हैं। भैया मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ आपकी स्टोरी सुनने के बाद, लेकिन स्कूल में तो साइंस, मैथ और ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, मुझे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखने के लिए क्या करना चाहिए जिससे मुझे आपकी तरह अच्छी नौकरी मिल सके? कोमल तुम बहुत लकी हो, अब स्कूल में वोकेशनल कोर्सेज के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी पढ़ाई जाएंगे। ट्रेड स्किल्स के साथ साथ वोकेशनल स्ट्रीम्स में सभी को 75 घंटे का नॉन टेक्निकल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 9th और 10th में और 110 घंटे का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 11th और 12th में पढ़ाया जाएगा। इनमें हर स्टैंडर्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, कंप्यूटर और ICT, ग्रीन स्किल्स जैसी स्किल्स शामिल होंगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज में ढूंढती हैं। इंटरव्यू के लिए और जॉब पाने के लिए ये स्किल्स महत्वपूर्ण है। करियर में आगे बढ़ने के लिए भी ये स्किल्स उतनी ही आवश्यक हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शामिल हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ICT स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ग्रीन स्किल्स। आइए आगे देखते हैं कि एम्प्लॉयर्स को इन स्किल्स के महत्व के बारे में क्या कहना है और आपके ट्रेनिंग के दौरान इन्हें पढ़ाना क्यों आवश्यक है। कैफे कॉफी डे एम्प्लॉयज अ लॉट ऑफ यंग फ्रेश कैंडिडेट्स हु आर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज स्ट्रेट आफ्टर स्कूल, आइदर देयर 10th स्टैंडर्ड और देयर 12th स्टैंडर्ड। एंड एज एम्प्लॉयर्स वी फाइंड दैट some of the basic skills required for a first time job are actually something which is not taught in their schools and colleges. We have to actually teach them some basic skills. Wouldn't it be wonderful if schools and colleges actually bridge the gap between education and employability in such a way that when they come out of school or college the kids would be directly employable. These could actually be game changers which will help them not only to get a job but actually to build a career. Communication skills ऐसी skills हैं जो आपको अपने ideas और feelings को share करने में मदद करती हैं। आपकी listening और speaking skills को बेहतर बनाती हैं। ये skills आपको हर तरह के लोगों से बातचीत करने का तरीका सिखाएंगी। English speaking आपको अच्छे job पाने में भी मदद करेंगी। Communication skills में communication cycle, verbal communication, grammar, pronunciation, greetings and introduction जैसे टॉपिक्स शामिल होंगे। Communication, because in our industry you're dealing with people from all walks of life, different ethnicities, different nationalities, different temperaments. So how you reach out and communicate with them is very very important. In modern retailing, companies like us want employees to talk one-to-one to customers, to be confident to actually interact with them, talk to them about their preferences, talk to them about, you know, what are the new product offerings, etc. How well an employee does in his job
is actually dependent on these two skills very largely. Self-management skills. ये skills आपको अपने interest, abilities और खुद को पहचानने में मदद करेंगी. किस तरह से positive, confident और efficient बना जाए, ये भी सिखाएंगी. Self-management में पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, गोल सेटिंग जैसे टॉपिक शामिल होंगे. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी क्रिटिकल. इट इज द कॉन्फिडेंस टू बी एबल टू मैनेज हिज ओन पर्सनल, आई वुड से टास्क, हिज ओन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट बीइंग इन द सेफ कोकून ऑफ अ फैमिली. आईसीटी स्किल्स, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अब हमारे काम और जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है. जरूरी है कि आपको इस टेक्नोलॉजी की उचित और पर्याप्त जानकारी हो. आईसीटी स्किल्स को सीखकर आप जॉब या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने कोवर्कर्स, दोस्तों और फैमिली के साथ कनेक्टेड भी रह सकते हैं. आईसीटी स्किल्स में इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, टाइपिंग स्किल्स, यूजिंग ईमेल जैसे टॉपिक शामिल होंगे. डिजिटल लिटरेसी ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. दे मे हैव जस्ट सीन अ कंप्यूटर मॉनिटर वंस देयर इन देयर स्कूल्स, बट व्हेन दे एक्चुअली कम टू द वर्क स्पेस देयर इज वेरी लिटिल पेपर वर्क विच हैपन्स. योर बिलिंग, योर अटेंडेंस, ऑल द ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स आर एक्चुअली डन ऑन अ कंप्यूटर और अ मोबाइल फोन्स. Edge that they get through a formal skills education in digital literacy will make sure that they do much better when they come to their job in the city. Entrepreneurial skills. Apne workplace ya business mein initiative lena. Successful banne ke liye responsibility aur ownership lena. Entrepreneurship skills mein entrepreneurship ki visheshtaen, entrepreneurs ki qualities, business activities ki prakar, entrepreneur versus employee, starting a business jaise topic shamil honge. Or that entrepreneur in him. If a person does not have this drive for results or does not have the entrepreneur in him, then probably he may not again fit into the scheme of things in an organization or in a hospitality domain. And therefore, he needs to develop this over a period of time and showcase it at the shop floor. When he works. Green skills. इनका उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना है, ताकि समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके. ग्रीन स्किल्स में इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण, ग्रीन इकोनॉमी में सेक्टर्स, पॉलिसीज और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी. What all practices do we adopt to protect our planet? Have we done water harvesting? Have we ever get sensitized towards electricity saving? Did we try doing some 3R practices like reduce, recycle, reuse? Have we done replantations? Subjects like this are very, very important. These subjects will protect our planet and do green manufacturing also. We will call it green skills, which is needed for each one of us today to protect the planet and to be a good person. ये महत्वपूर्ण skills आपको video और activity based learning द्वारा सिखाई जाएंगी. और तो और ये skills बहुत सारे practice sessions, group activities, role plays और peer learning द्वारा सीखने को मिलेंगी. अगर students के पास smartphone हो तो वो आराम से घर में, प्लेग्राउंड में या नदी किनारे ही क्यों नहीं, ई लर्निंग के जरिए वीडियोस देख सकते हैं और क्विजेस का आंसर कर सकते हैं. क्लास पीरियड के बाद अगर हो सके तो स्टूडेंट्स ई लर्निंग खुद चलाकर क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं. इससे क्लास में पढ़ाया गया वीडियो और क्विज दोबारा देखा जा सकता है. ऐसा करने से स्टूडेंट्स अपनी गति से ज्यादा समझ सकते हैं. स्टूडेंट को अपना खुद का लॉग इन आई डी टीचर को पूछ कर मिल सकता है. यही था ना कल्पना? ई-लर्निंग से सीखना तो बिल्कुल मूवी देखने जैसा है ना? हाँ यार, इसे याद करने और समझने में हमें कितनी मदद मिलेगी. जो हमने वीडियो और क्विज से सीखी है, हम उसे प्रैक्टिस करके अप्लाई भी कर पाएंगे. ये कितनी अच्छी न्यूज है. मैं ये सब स्किल्स अपने ही स्कूल में सीख पाऊंगी. अब मैं आप जैसी अच्छी नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करूंगी.
तुम बहुत छोटा सपना देख रही हो। इस कोर्स में अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर खूब प्रैक्टिस करके तुम मुझसे भी अच्छी नौकरी पा सकती हो, समझी? हेलो साक्षी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम सब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास में जा रहे हैं। ये क्या होता है? मैंने सुना है कि अच्छी जॉब के लिए ये जरूरी होता है। अच्छा, ये तो मेरे भैया ने भी बताया था कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद करती है। हाँ, तुम भी चलो ना हमारे साथ, देखते इसमें क्या होता है। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक्स अब और भी सरल बना दी गई है। हर लेसन के लिए लेसन ऑब्जेक्टिव, सिंपल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। साथ ही ग्रुप एक्टिविटीज, प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइजेस और कॉन्सेप्ट आधारित एप्लीकेशन बेस्ड असेसमेंट, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, ये सब ई लर्निंग के माध्यम से किया जाएगा और मेन कॉन्सेप्ट्स का प्रिंटेड वर्जन टेक्स्ट बुक में शामिल होगा। समूचा विश्व इस समय भारत को तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश यानी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज की नजर से देख रहा है, चाहे वो शैक्षणिक, कमर्शियल, फाइनेंशियल, मेडिकल, टेक्निकल या कोई भी फील्ड हो। भारत में अवसर हर जगह हैं। कुछ लोग इन अवसरों का उचित उपयोग कर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, वहीं हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि उनके पास डिग्रियां तो हैं, फिर भी वे सम्मानजनक रोजगार पाने में सफल नहीं हो पाते। इसकी क्या वजह हो सकती है? सम्मानजनक रोजगार पाने के लिए आपका हुनरमंद होना जरूरी है। हमारे देश में हुनरमंद युवाओं की एक बड़ी संख्या मौजूद है, परंतु हुनरमंद होने का मतलब सिर्फ कार्य में निपुण होना ही नहीं, बल्कि 21वीं सदी में नियुक्तिकर्ता और भी बहुत कुछ चाहते हैं। एम्प्लॉयर्स आपसे वोकेशनल स्किल्स के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी मांग करते हैं। Apart from the domain knowledge, whatever is required for the students, the basic employability skills are also incorporated within the qualification packs which are developed by the sector skill councils. By the term employability skills, what we want to understand is, as per the industry representatives, what sector skill councils have understood, that what is the industry is asking for. While the students, after undergoing these training programs and the skill development programs, students are expected to have the basic knowledge of IT skills, some sort of communication skills, like what we talk about business language and all. Industry 4.0. यहाँ बात एक ऐसे हुनर की है जो आपको हर क्षेत्र में काम आएगा। किसी भी रोजगार को सफलतापूर्वक करने के लिए कार्य से संबंधित हुनर हासिल करना जरूरी है, परंतु कुछ मूलभूत कौशल अथवा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी होना जरूरी है। जिंदा दिली से वो जीते हैं जो खुद को हुनरमंद बना लेते हैं, और लोग उन्हें पसंद करते हैं जो रिजल्ट देते हैं। वोकेशनल कोर्सेज और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संयुक्त निदेशक PSSCIVE, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडिया। फोन नंबर्स हैं 0755-266-0691 या विजिट करें www.pssciveac.in पर। पंडित सुंदरलाल शर्मा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन,
विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध विकास और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक अग्रणी राष्ट्रीय संस्थान है। संस्थान द्वारा बनाए गए सभी पाठ्यक्रम एवं पुस्तकें पूरे देश में लागू किए जाते हैं।